गाइस वेलकम बैक। और फिर से कुछ स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब डायरेक्टर में। दोस्तों बात करेंगे टाटा स्टील रजिस्टर रिलेशन का जो एग्जाम हुआ था उसका। दोस्तों आप लोग को पता है कि रिजल्ट का बहुत स्टूडेंट यहां पे वेट कर रहे हैं। फाइनली उसका रिजल्ट को लेकर अपडेट आ चुका है, डेट सामने आ चुका है कि कब तक रिजल्ट आएगा। ठीक है, आई होप बहुत किसी के पास ये न्यूज पहुंच गया होगा, बट बहुत किसी को नहीं पता है तो उनके लिए ये वीडियो है। आई होप लोगों को अच्छा लगा लगेगा। ठीक है, और जितना से ज्यादा हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बहुत से स्टूडेंट अभी भी बात करेंगे तो रिजल्ट को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। ठीक है, कि रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि ये वैकेंसी काफी लंबा खींच चुकी है। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे एक न्यूज आया है, ठीक है, सार्फ भारत की तरफ से। ठीक है, देख लीजिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि टाटा स्टील के कर्मचारी पुत्र यानी रजिस्टर रिलेशन का जो एग्जाम हुआ था, जो कि मैट्रिक पर था यानी 10th पास का एग्जाम रहा। ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन 10th था, वही लिखा हुआ। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ, रिजल्ट इसी सप्ताह निकल जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों ये कल का न्यूज है, यानी इसी सप्ताह निकल जाएगा। यानी आपको देखिए निकलने का पूरा पूरा यहाँ पे ज्यादा संभावना है। ठीक है, शुक्रवार देकर अगर शुक्रवार तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मैंने जो पहले वीडियो बनाया था उसको मैंने बताया था कि होली के बाद आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, होली के बाद या आपके मार्च के एंड तक आप लोग का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। देखिए वही हुआ दोस्तों, देखिए पूरा संभावना है कि देखिए मार्च के एंड तक आप लोग को तो फिक्स है कि आपको रिजल्ट आ ही जाएगा, बट यहाँ पे लिख दिया कि शुक्रवार तक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये जो बात करेंगे, जो आप सोचोगे कि इनको कैसे पता कि एग्जैक्टली शुक्रवार को ही रिजल्ट आ जाएगा, तो देखिए ये जो न्यूज रिपोर्टर है वो कहीं ना कहीं जाके जो जो मैनेजमेंट है उनसे बात करते हैं कि आखिर कब तक इसका रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो लोग एक डेट बताया होगा कि इस सप्ताह यानी शुक्रवार तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मान के चलिए ये 90% तक बिल्कुल सही है कि शुक्रवार तक आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक बात बनती है कि रिजल्ट किस टाइप का देगा। ठीक है, या टाटा स्टील का ऑफिशियल साइट में रिजल्ट देगा, या क्या कहीं पेपर में दिया जाएगा रिजल्ट, किस टाइप से इसका रिजल्ट देगा। ठीक है, ज्यादा 90% चांस है कि दोस्तों आप लोग ईमेल में आपका रिजल्ट सेंड किया जाएगा। ठीक है, ईमेल में आप लोग रिजल्ट दिया जाएगा, उसके बाद हो सकता है ये ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी आपका रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म भरते समय आप लोगों को जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया या आपका रोल नंबर दिया होगा, उसके बाद दोस्तों जिस तरह अप्रेंटिस में पहले तो मेल में भेजते हैं दोस्तों रिजल्ट, उसके बाद आप साइट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना मेल चेक करते रहिएगा। ठीक है, इस सप्ताह आप लगभग एक बार डेली एक बार आप लोग मेल जरूर चेक करते रहिएगा। ठीक है, हो सकता है ज्यादातर टाटा स्टील का काम है दोस्तों कि रात 12 बजे के बाद ही मेल सबको सेंड करता है। ठीक है, तो डेली एक बार सुबह उठ के अपना मेल जरूर चेक कर लीजिएगा। और स्टूडेंट से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जिनका भी रिजल्ट आ जाएगा सबसे पहले तो प्लीज सेंड कर दीजिएगा टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा, हर एक अपडेट आपको वहां मिल ही जाती है। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ दोस्तों कि आपको 6 मार्च को इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, और बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा। दो जो देखिए टोटल बात करें तो देखिए यहाँ पे 7800 परीक्षा जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्जाम में हिस्सा लिया था। देखिए उसके बाद करें तो देखिए जो बात करें तो दोस्तों यहाँ पे और एक चीज लिखा हुआ कि जो दूसरे के नाम पर परीक्षा देने का जो मामला आया था उसमें दोस्तों 9 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुका है, यानी दोस्तों उनके खिलाफ यहाँ में FIR भी हो चुका है। देखिए और 22 लोगों के खिलाफ यहाँ पे FIR भी कर दिया गया है। ठीक है, और जो और दोस्तों और एक अपडेट है, देखिए इसका सारा कुछ हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए जो कोई बाहर की एजेंसी है उसके माध्यम से दोस्तों जो भी आपने आंसर शीट है, जो भी आपका आंसर शीट है उसका जांच हो गया, यानी दोस्तों आंसर शीट जांच हो चुका है, यानी आपका रिजल्ट मान के चलिए आ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कि आंसर शीट आपका जांच हो चुका है। ठीक है, और आपका 16 परीक्षा केंद्रों में आपका परीक्षा कराया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देखिए रिजल्ट बनने का काम चल रहा है, यानी दोस्तों लास्ट स्टेज में है आपका रिजल्ट, लगभग अब बन के तैयार ही हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों 1 वीक का समय यहाँ पे बोला गया। ठीक है, 1 वीक के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कि एक सप्ताह के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपका 1 वीक के अंदर, आपका 1 सप्ताह के अंदर आपका आ जाएगा। ठीक है, मान के चलिए शुक्रवार तक रिजल्ट आ जाएगा, शुक्रवार तक नहीं आता तो सैटरडे छोड़िए, मंडे को आपका रिजल्ट है कि पूरे 99% चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी रिजल्ट को लेकर आप लोगों के मन में डाउट था, जो भी आपका ये था कि पता नहीं रिजल्ट कब तक आएगा और कितना लेट करेगा ये टाटा स्टील, ठीक है, रजिस्टर रिलेशन का जो एग्जाम होता है उसको लेकर। ठीक है, तो देखिए फाइनली अपडेट आ चुका है, जो कि काफी अच्छा गुड न्यूज है आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत कोई दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों आगे के कोई भी अपडेट होता है जब रिजल्ट आएगा उसका भी एक प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा कि आगे आप लोगों का क्या क्या कुछ करना है। तब तक ही था दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के यहाँ पे सिलेक्शन हो और अच्छे ढंग से यहाँ पे सिलेक्शन हो दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।